हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब शॉर्ट पर। दोस्तों, एनसीआरटीसी में रिक्रूटमेंट आई हुई है। ढेर सारी पोस्ट है, मेंटेनेंस एसोसिएट, एसीटीओ और आईटीआई वाली पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों हम सबका सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के लिए है और बेस्ट बुक क्या रहेगा वो जानेंगे। वीडियो को लास्ट देखिएगा और जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे डिटेल को जानने के लिए, जो है काफ़ी लाभप्रद रहेगा आपके लिए। दोस्तों सारे डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों एनआरसीटीसी में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है आपकी, मैं दिखा देता हूँ। टेक्नीशियन की पोस्ट है, एससीटीओ की पोस्ट है आपकी, और मेंटेनेंस एसोसिएट यानी मेंटेनर की पोस्ट है। इसमें ब्रांचेज है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल। मेंटेनेंस में जिसको डिप्लोमा बी बी टेक भर सकता है। उसके बाद प्रोग्रामिंग एसोसिएट का सिलेबस मुझे नहीं मिल पाया, वैसे मैं आपको सीएसआईटी वाला सिलेबस ही फॉलो होगा। टेक्नीशियन और आपका टेक्नीशियन आईटीआई में वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर वेल्डर एससीटीओ की जो है सिलेबस मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका दिया गया है, 1 से 10 तक के लिए जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा, टेस्ट फॉलो होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। साइको टेस्ट आपका एससीटीओ पोस्ट के लिए होगा, ठीक है। मेडिकल होगा, सब कुछ मेडिकल होगा। A1I जो है एससीटीओ पोस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी में रहने वाली है। ध्यान रखिएगा, इस पोस्ट के लिए सबसे ज़्यादा मारामारी रहेगी। और बाकी सब डिटेल जानते हैं क्योंकि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने इसे अपलोड की थी, सारी डिटेल बताया था उसमें। तो सबका हम जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम जो बात करेंगे एससीटीओ पोस्ट के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों भर सकते हैं यहाँ पे, या फिर बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, ठीक है। तो इनके लिए जो है सिलेबस जो होगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी हम टेक्नीशियन में फिटर, रेफ्रिजरेटर सबकी कोशिश करेंगे, अगर मिलता होगा जरूर बताएंगे। फिर हम मेंटेनेंस एसोसिएट की यानी मेंटेनर पोस्ट के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो आइए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने पूरी ऑफिशियल वेबसाइट छान मारी है, सिलेबस और जो है एग्ज़ाम पैटर्न का कुछ पता नहीं हो सकता, बाद में दे दीजिए। लेकिन जो ये आपका सिलेबस है बिल्कुल वही सेम रहेगा, एग्जाम पैटर्न में कुछ इधर उधर हो सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें 140 क्वेश्चन हो सकते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को मिला के, जिसमें टेक्निकल में आपके जो मैं अभी बताऊँगा और नॉन टेक में आपके मैथ, ठीक है, रीजनिंग हो गया, जनरल जीके वगैरह, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, या फिर हिंदी के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया आपका, और दोस्तों आपका जीएसजी के मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इतना रहेगा नॉन टेक में। और टेक्निकल में आपको जो बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन भर सकता है फॉर्म को, और दोनों का मिक्सअप सिलेबस आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों का जो पूरा सिलेबस है एक ही पेपर में होगा, एक ही दिन में होगा। तो बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, जिसमें डीसी एसी फंडामेंटल ऑपरेशन शॉर्ट ले लीजिएगा। फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, दोनों को पढ़ना होगा, जैसे मॉसफेट, बीजेटी, एलईडी, एलसीडी वगैरह, पीएन जंक्शन। फिर कंट्रोल सिस्टम जैसे आपको पढ़ना होगा, जिसमें मैनुअली कंट्रोल कैसे, ऑटोमेटिक लूप, क्लोज लूप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लीनियर नॉन लीनियर सब, ठीक है। केमिकल सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन, एसी डीसी, सर्वो मोटर, ये सब। कंट्रोल सिस्टम रिप्रेजेंट एक तरह से बी बी टेक लेवल का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा वाले के लिए है। तो रूथ हार्टविस्ट क्राइटेरियन हो गया आपका, नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, मल्टी लूप। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में चाहिए, जैसे आपका कंडक्टिंग, सेमी कंडक्टिंग, रजिस्टर, फैक्टर अफेक्टिंग, पीवीसी, माइका ग्लास वगैरह, ठीक है, ये सब हो गया। फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अब इलेक्ट्रिकल में धीरे धीरे आएंगे, पावर एनर्जी मेजरमेंट, फ्रिक्वेंसी, फेज डिफरेंस मेजरमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेशन हो गया, लोडिंग फेयर, रेंज एडवांटेज, दोनों का मिक्सअप आने वाला है। और फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल जरूर से पढ़ लीजिएगा दोनों वाले, ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, गेट वगैरह, एथमेटिक लॉजिक, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर, इतना आपका जो है सिलेबस रहेगा। फिर बेसिक माइक्रो प्रोसेसर हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 8085, 8086, चॉपर, इन्वर्टर, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रूमेशन, RS-232, GBIP, क्वालिटी एंड रिलेबिलिटी टेक्निक्स, ये सब रहेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में RMS, पीक वगैरह ये सब आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक मशीन्स है, डीसी मोटर, 1 फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, ये सब चीज़ें हैं। जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बेस्ट बुक की बात करें
तो बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूँ, आप यूथ कंपटीशन के बुक फॉलो कर सकते हैं, आती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए तो आप ले सकते हैं, या फिर DMRC की बुक आती है आपकी SCTO के लिए, या फिर UPLMRC की बुक आती है SCTO के लिए, यूथ कंपटीशन की बहुत से पब्लिकेशन की आती है, आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। फिर आप बेसिक बुक ही अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे ही तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइको टेस्ट होगा, बहुत हाई मेरिट नहीं जाने वाली है। 140 में मैं आपको लगभग बता देता हूँ 80 या 90 नंबर तक मेरिट जा सकती है। दोस्तों आइए नेक्स्ट पोर्ट के लिए बात। तो नेक्स्ट जो आपकी सिलेबस है दोस्तों बता देता हूँ, 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके मेंटेनेंस एसोसिएट वाली जो पोस्ट है, मेंटेनर की जो पोस्ट है उसके लिए, आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए ओम्स लॉ, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर से आएंगे क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायोड बेस हो गया, रेक्टिफायर कॉन्फिगरेशन, डायोड जीनर, ये सब वगैरह, ठीक है, PNP NPN ट्रांजिस्टर हो गया, EBC एंड टर्मिनल फ्लो, VCB VCE ICIB इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब जानते होंगे ये सब, ठीक है, कैपेसिटेंस जंक्शन, आपके एम्पलीफायर, फिर ट्रांजिस्टर जैसे CB CE, कॉमन कमी कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर हो गया, कॉमन बेस हो गया, ये सब, मॉस्फेट, पावर मॉस्फेट, IGBT थ्रिस्टर, हाफ एडर, फुल एडर, ICs वगैरह आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आप बाकी कन्वर्जन जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, ये सब पढ़ लीजिएगा, और फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, JK फ्लिप फ्लॉप, RS SR, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ये सब आने वाला है, UPS डिफरेंसेस, UPS ब्लॉक, इतना पढ़ लेंगे। इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम होगा आपका, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा और BTEC दोनों एलिजिबल है, तो ये सब कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ये सब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो आपको उचित लगे दोस्तों 100 क्वेश्चन रह सकते हैं, और इसमें लगभग लगभग 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से आ सकते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन में आपका नॉन टेक आ सकता है, मैथ वगैरह सिलेबस आपका सेम रहेगा, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, इसमें आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वगैरह पढ़ना होगा, जैसे सेफ्टी इंट्रोडक्शन, पर्सनल इंट्रोडक्शन, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, फैराडे लॉ, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल कोड हो गया, वोल्टेज ग्रेडिंग सिस्टम, NEC एक्सप्लेन स्विचेस, लैंप होल्डर्स, फैराडे लॉ में आपको AC DC सर्किट, पी फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, अर्थिंग पढ़ना होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत जरूरी है आपका, ठीक है, कन्वर्जन, PN डायोड वगैरह सब आपको पढ़ना होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशन, KMAP वगैरह, और आपको कंट्रोल सिस्टम भी पढ़ना होगा, ध्यान रखिएगा। DC मशीन्स में जनरल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ DC जनरेशन, DC ट्रांसफार्मर आएगा क्वेश्चन आपका, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इतना। और अभी आपको जो उचित लगे जैसे आपका KCL KVL ये सब हो गया, पावर मशीन्स हो गया, मशीन से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके जो यूज होते हैं, और ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस, नेक्स्ट बढ़ते हैं तो सिविल के लिए, ठीक है, लीनियर मैनेजमेंट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, कैलिपर्स वगैरह, वी बेल्ट, ब्लॉक्स, ये सब आपका, वन ईयर कैलिपर में प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन हो गया, ड्रिलिंग प्रोसेस हो गया, शोल्डर्स हो गया, सेफ्टी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन, एसिटिलीन कटिंग वगैरह ड्रिल के लिए आएगा, कास्ट आयरन, सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह, और डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज ऑफ गेज हो गया, फीलर रेस्क्यू पिच, और लॉजिक डिवाइस, इसके बाद न्यूमेरिकल भी काफ़ी आएंगे यहाँ पे कास्ट आयरन वगैरह के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ इसका सिलेबस ITI वाले भी फॉलो कर सकते हैं सिलेबस, ध्यान रखिएगा, ये आपका मैक्सिमम ITI वाले जो है यहाँ पे है, तो ITI और डिप्लोमा दोनों के लिए फॉलो होगा ये सिलेबस। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस एसोसिएट में मैकेनिकल के लिए, जो कि लास्ट है, RC इंजन, कंबशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स, AC स्टैंडर्ड साइकिल, IC इंजन, IC इंजन परफॉर्मेंस, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लांट, IC इंजन कूलिंग लुब्रिकेंट्स, रैंकिंग साइकिल ऑफ स्टीम, आपका बॉयलर्स हो गया, फिटिंग, कंप्रेसर, प्रॉपर्टीज, नोजल्स, फ्लूड मैकेनिक्स, मशीनरी, प्रोडक्शन मशीन, फ्लूड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूड प्रेशर, फ्लूड काइनेमेटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूड एंड बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टर्बाइंस, जरा आपका मैकेनिकल का सिलेबस ध्यान से देख लीजिएगा। और बेस्ट बुक के लिए बात करें तो आप जो है अपना टेक्निकल बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर यूथ कंपटीशन के लिए ले सकते हैं बुक, ठीक है दोस्तों, यूथ कंपटीशन वाली बुक काफ़ी अच्छी होती है, या फिर आपकी जो मेट्रो वाली बुक आती है जैसे DMRC LMRC की, उसे मैकेनिकल का तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ यूथ कंपटीशन का फॉलो करें, या फिर इंजीनियर्स एकेडमी की बुक आती है मैकेनिकल, ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे, आपको अगर बेसिक पकड़ अच्छी तभी बुक फॉलो करिएगा, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ITI वालों के सिलेबस के लिए, जो जो मुझे मिल पाया है मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, सभी ब्रांचेज का तो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन मैं जितने ढूंढ के लाया हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे बनाने में,
ठीक है। और वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर तरह की कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैथ रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करिए, किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए सिलेबस इस चैनल पर आपको मिल जाता है, जो भी आप कमेंट में करते हैं मैं जरूर से प्रोवाइड कराता हूँ। तो आईटीआई वाले सिलेबस की तरफ आने पर नॉन टेक का सिलेबस देख रहे थे, जो कि सबके लिए कॉमन है, आपका बीबी टेट डिप्लोमा आईटीआई सबके में आए क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक सकते हैं या फिर अरियंत की फास्ट ट्रैक बुक आती है वो ले सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो आपका ये लॉजिकल एबिलिटी सिलेबस यानी रीजनिंग का सिलेबस है, फिगर मैट्रिक्स नंबर सिस्टम मिरर इमेज नॉन वर्बल लॉगरिदम्स आ गए आपका, ठीक है। ब्लड रिलेशंस आर्ग्यूमेंट और सिलॉक्स भी आ सकता है, वेन डायग्राम अल्फाबेट सीरीज प्रॉब्लम और एज वाली क्वेश्चन, अर्थमेटिकल रीजनिंग एनोलॉगी। मैथ में आपका वॉल्यूम्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पाइप सिस्टम टाइम एंड वर्क एवरेज इंडिशन सर्सर प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन रिसर्च गेम्स एंड स्किल नंबर एजेज एरियाज हो गया आपका, ट्रेन वाले क्वेश्चन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन एलसीएफ एसएफ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रॉफिट और लॉस करें तो मेंसुरेशन हो गया, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन परसेंटेज मिक्सर एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन लगवा लो, मैथ में पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने आपको बुक बता दिया फॉलो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा आपको। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल और पैरा ओलंपिक्स ओलंपिक्स हुए उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मिनिस्ट्री चेंज हुई है, स्पोर्ट्स साइंस के लिए बजट फाइव ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं, हु इज दिस मतलब क्वेश्चन आ जाएगा, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज अवार्ड्स एंड जरूर से बुक ऑन ऑथर अब्रेविशन इंपॉर्टेंट डेंस जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया और जनरल अवेयरनेस जीके के लिए क्वेश्चन, इंग्लिश अगर होगा तो आएगा, वैसे आने की उम्मीद कम है, लेकिन अगर आपको पता होगा ज़रूर मुझे बताइएगा। फर्स्ट बार ये जो है आपका पोस्ट काफ़ी सारे हुए हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो अब आते हैं आईटीआई सिलेबस, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का सिलेबस है, इसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस कम्युनिकेशन सर्किट थ्योरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बुलियन अलजेब्रा गेट वगैरह, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर से कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे एएम पीसीएम एएसके पीएसके वाले एनालॉग कम्युनिकेशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ध्यान से देख लीजिएगा, और कंप्यूटर हार्डवेयर से क्वेश्चन आपके आएंगे आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब लेवल अपना बढ़ाना होगा आपको, तो बुक देख लीजिएगा अपना, बुक के बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है आईटीआई वालों के लिए, आप जो भी फॉलो करते हो मेंटेनर वाली या फिर टेक्नीशियन वाली जो बुक आती है आप ले सकते हैं उसके लिए। ये आपका इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है, एच टी हाई टेंशन लो टेंशन टाइम पैरामीटर स्विचेस प्रोटेक्शन एम सी एल बी, ठीक है, ये सब पढ़ना होगा आपको, स्विचेस डिजाइन टेस्टिंग परफॉर्मेंस ऑन लाइन फॉल्ट एनालिसिस प्रेजेंट पावर सेक्टर स्नैरियो इंडिया क्या चल रहा है क्या नहीं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंस्टॉलेशन रूट लो वोल्टेज कंस्ट्रक्शन रिजॉल्व थियर ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जैसे विंड सोलर बायोमास इंजीनियरिंग टॉपिक्स हो गया आपका एनालिटिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफार्मर मीटर्स टेस्टिंग फंक्शन ऑफ कैपेसिटर रिएक्टर्स पावर और आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना होगा जैसे नंबर कन्वर्जन गेट वगैरह से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो सब देख लीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लो तो आईटीआई की हो चुकी है, और भी देखते जो मुझे मिला है मैं आपको बता देता हूँ। तो फिटर टेस्ट की आती है, फिटर टेस्ट में ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी आपको क्वेश्चन आएंगे, सारे मत देखिएगा इसमें, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना होगा, मार्किंग हो गया वाइस जॉब वगैरह हैंड शॉकिंग टाइप्स से फिर फिटर चैनल पैरेलल फिटिंग वगैरह ये सब चीज़ बेंच वाइस ये सब देख लीजिएगा अपने में, मार्किंग फिटिंग ये सब हो गया आपका, कैलिपर्स हो गया मार्केटिंग मीडिया हो गया सरफेस प्लेट वी ब्लॉक एंगल प्लेट्स ये सब के क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सब अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ते रहिएगा इसको, और रिवीजन टेस्ट ये सब है इसमें ध्यान में मत पड़िएगा। इसके बाद वायरिंग हो गया हैमिंग सोल्डरिंग ब्रिजिंग इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप अपना बेसिक भी फॉलो करते हैं तो काफ़ी आपके लिए रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आपको जो है आपको मैं दिखा देता हूँ, आयरन स्टील हो गया आपका सी आई रॉट आयरन, ठीक है, सी आई स्टील हो गया रिवीजन टेस्ट इसमें आपको करना होगा, ठीक है, मास एफ पी एस परसेंटेज मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, डिफरेंशियल टाइप्स ऑफ लोड स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम इंजीनियरिंग ड्राइंग से ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा सिलेबस का है मैं इसको कवर करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एम एस ऑफिस इंटरनेट वेब ब्राउजर सब पर भी आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो ये आपका फिटर का रहा। इसके बाद आते हैं एसी एंड रेफ्रिजरेटर कोर्स है, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट है एक्टिव पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी में सिंगल थ्री फेज एसपी के डब्ल्यू करंट यूनिट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपका ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एसी रेफ्रिजरेटर साइकिल ये सब चीज़ें हैं आपको, और साइकिल कंपोनेंट्स हाई मीडियम लो मीडियम ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद फंक्शन है कंडेंसेसर है, कंपनसेसर है, थर्मल एम्बार्किंग विथ इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनर डोमेस्टिक विंडो स्प्लिट है, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्प्लिट एयर कंडीशनर पैकेज, एयर कंडीशनर पैकेज ये सब टेक कैप कर ए सी रेफ्रिजरेटर। दोस्तों मुझे आइडिया का इतना ही सिलेबस मिल पाया है, बाकी के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप कमेंट में भी मांगते तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, मैंने बहुत ढूंढा नहीं मिल पाया। आप बाकी DMRC LMRC का अगर आपका जो टेक्नीशियन वाला सिलेबस है फॉलो कर सकते हैं, अब उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या कुछ दिनों बाद हो सकता है वेबसाइट पे आ जाए डिटेल नोटिफिकेशन। तो थोड़ा बहुत देखिए मेरे बताने से अंतर हो सकता है, मैं उसके 100% गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ जो सिलेबस जो भी बताया है उससे आगे क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट होगा मुझे बताइएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों सबसे पहले बोला सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की मैथ और रीजनिंग की तैयारी के लिए, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंजीनियर शुभम के नाम से।